ट्राई करते हैं। एक मिनट रुको, की माँ का ये देखो मेरा फोन ना गिर जाए। सेल्फ यही तो कमल की है और उसमें कांटे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई सेल्फ इसकी तुम्हारी तैयार हो चुकी है। तो भाई पहुंच गए लोकेशन पे, यहाँ जल रही है आग, कोशिश करी जा रही है आग जलाने की और हम यहाँ खड़े हैं। ये देखो पीछे बढ़िया सूरज आ रहा है लेकिन मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। अब मैं नजर आ रहा हूँ, यहाँ पे हम स्केटिंग करेंगे पीछे। और ये पता ना कौन है जबरदस्ती वीडियो में घुस रहा है, मेरी ग्लव्स पहन के खड़ा है, अपने फोन चला रहा है, पता नहीं कौन है भैया, मैं नहीं जानता इसे। जबरदस्ती भाई सब एक्टिंग करेंगे। एक बार कॉफी चाय पी लें फिर बनाएंगे वीडियो, लेट्स गो। तो भाई पहुंच चुके हैं यार लोकेशन पे और आज मैं और बस तरुण आए हैं, बाकी सब या तो आराम कर रहे हैं संडे के बजे ले रहे हैं या फिर घर पे हैं। विकास आज स्कूल गया है वरना वो तो आ ही जाता, कोई आए ना आए वो ऐसा ही है। लेट्स गो, एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। भाई लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे आप स्केटिंग कर रहे हो एटलीस्ट वो सेफ होना चाहिए और ऐसा कोई पंगा ना हो वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं और आप वहाँ पे जाके स्केटिंग सीख रहे हो। शुरू में हम भी ये चीज़ कर रहे थे लेकिन अभी कोई इंसिडेंट भी हुआ है जहाँ पे एक कार वाले ने स्केटिंग करते हुए किसी बच्चे के ठोकर मार दी या फिर उसको चोट लगी है। पूरी न्यूज़ तो मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा हुआ है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने थोड़ा इन चीज़ों को तवज्जो या फिर कह सकते हैं इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं वो नहीं पता, लेकिन हमने अब अपना वे चेंज कर लिया है। मैं आपको एक बार रोड की हालत दिखाता हूँ, जिस रोड पे हम लोग करने आते हैं ना मैं वो रोड दिखाता हूँ आपको। पीछे भी आपको दिख रही होगी कितनी बढ़िया रोड है और कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। अगर सिंगल बाइक वगैरह आती है तो हम लोग खुद ही साइड हो जाते हैं। और बाकी एक बार रोड सामने से दिखाता हूँ मैं कैसी दिख रही है, दिखाता हूँ चलो। ये देखो भाई, कभी किसी को लग रहा हो कि ये लोग बहुत बिजी रोड पे जाते हैं या कुछ लोग गलत भी कमेंट करते हैं तो एक बार रोड देख लो आपको पता लग जाएगा। और साइड में कुछ ऐसे पेड़ हैं, ये देखो दोनों तरफ ऐसे ही पेड़ रहते हैं। और अभी मैं पैदल जाने लग रहा हूँ उस जगह पे, चलो वापस फ्रंट कैमरा करता हूँ। तो भाई ऐसी है लोकेशन और ये हैं हम ऐसे जाते हुए। अभी मैं पहुँच रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे हम स्केटिंग करेंगे बस जाके। मेरे पास बैग में स्केट्स हैं, अभी सेटअप भी दिखाऊंगा आज क्या सेटअप बनाया मैंने जिस पे हम लोग स्केटिंग करेंगे, जिसकी मदद से मैं आज वीडियो वगैरह बनाऊंगा। देखते हैं क्या बनाएंगे आज, एक दो ट्यूटोरियल बनाएंगे और बाकी स्टंट्स वगैरह अगर कुछ करेंगे तो सब आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब हम वीडियो शूट करने आए थे यहाँ पे तो शूट क्या यार, हर बार वीडियो बनाने आते नॉर्मली, शूट तो मस्त एकदम महंगा वाला होता है कैमरा वैमरा लगा के। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, और जब पिछली बार आए थे हम शूट करने तो वहाँ पे नाले में सांप घूम रहा था बेचारा ठंड के मारे। ठंड में आपको बताऊँ तो बहुत सारे जो नॉर्मल से सांप होते हैं या तो छुप जाते हैं या बहुत सारे सांप आजकल मर भी जाते हैं ठंड की वजह से, कोई ज्ञान मत देने लगना कमेंट में अब। तो चलते हैं फटाफट से और बनाते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गो। ओ भाई व्हील देखी पिछला, व्हील देखो यार पांच तो भाई पहली स्केट हमने
करेंगे थोड़ी सी स्केटिंग। अब ये सीन है इसमें यार, लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ेगा लग रहा है सेल्फी स्टिक को। ये सेल्फी स्टिक मुझे तो छोटी लग रही है मेरे हिसाब से। ऐसे तो आ भी सकते हैं हम इसमें, ऐसे कैसे आएंगे यही देखना है। अभी एक बीटी और हो जाती, बच गए हम। भाई ये तो सेल्फी स्टिक ही छोटी है, कैसे बनाए हम इससे वीडियो? या तो मैं ही दिख रहा हूँ या स्केट्स ही दिख रहे हैं। मैं दिख रहा हूँ तो स्केट नहीं दिख रहे, स्केट दिख रहे हैं तो मैं नहीं दिख रहा। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ऐसे बनाए ये, नहीं तो फिर वीडियो को ऐसे पुश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। मैं नहीं आ रहा हूँ तो वीडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ। करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा। करते हैं कुछ सॉल्यूशन इसका भी और बताते हैं फिर आपको, और बनाते हैं कोई ना कोई ट्यूटोरियल। लेट्स गो। तो मित्रों मैं ढूंढ रहा हूँ छोटा मोटा कोई डंडा जिससे हम अपनी सेल्फी स्टिक को थोड़ा लंबा कर सकें, और हमें ये डंडा दिख रहा है, इसे लेके जाते हैं और देखते हैं इससे सेल्फी स्टिक बनेगी कि नहीं। तो इस डंडे को लेके जाते हैं, इसको तोड़ेंगे भाई। और लेट्स गो, लेट्स गो। इसे लेके जा रहा हूँ मैं, और ये भाई एक भाग रहे हैं रोड पर। इसे लेके जा रहे हैं स्केट्स पे, जिससे कि हमारी सेल्फी स्टिक लंबी हो सके। तो ले आया हूँ मैं असला बारूद, इसमें कांटे हैं बहुत सारे, सेट करके देखता हूँ इसे, इससे हम अपना काम बना पाते हैं कि नहीं। मैं ले तो आया इसको, तोड़ू कैसे, ऊपर से ही तो कमल की है और इसमें कांटे हैं बहुत ज़्यादा। कपड़े वपड़े ना फाड़ दें मेरे। तोड़ने के बाद मैं शायद सेल्फी स्टिक बना पाऊंगा अपनी। तो भाई सेल्फी स्टिक हमारी तैयार हो चुकी है, बेहतरीन। इतनी बड़ी सेल्फी स्टिक है डंडे से बड़ी। अब इसको इस सेल्फी स्टिक में लगाना है, लगाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई सेल्फी स्टिक हमारी तैयार हो चुकी है, पता नहीं कैसा काम करेगी, ट्राई करते हैं। एक मिनट रुको, की माँ का, ये देखो मेरा फोन ना गिर जाए। सेल्फी स्टिक थोड़ी है ये, स्टिक है पूरा। अब मुझे डर लग रहा है यहाँ से बनाऊंगा क्या ऐसे। ओ भाई अब ये देखो, तो बढ़िया चल रही है एकदम। सेल्फी स्टिक हमारी तैयार हो गई, और डर भी लग रहा है कि फोन वोन ना टूट जाए मेरा। लोग अपने जुगाड़ बनाते हैं, हमने अपना जुगाड़ बनाया है बेहतरीन वाला। उस और लोग डर भी लग रहा है फोन ना चटक जाए, टूट ना जाए कहीं। ओहो ये देखो भाई, ये देखो आ देखियो जी, ये लो भैया पूरा स्वाद लो। और अभी तो सेल्फी स्टिक और भी ऊंची हो सकती है, ये देखो। हा हा हा।
इसके ऊपर रील बना दूंगा मैं, डर भी लग रहा है साला। ये बना ली हमने सेल्फी स्टिक स्केटिंग के लिए, आओ चेक करते हैं कितनी बड़ी है, और डर भी है इसमें थोड़ा, ये टूट टाट ना जाए, और ये लचक भी रही है। यहाँ यहाँ से पकड़ के चलते हैं आगे, और बच गया, अभी ठीक है। ये देखो भाई लकड़ी वाली सेल्फी स्टिक, देखी है किसी ने? नहीं देखी तो आज देख लो और मजे लो। ये देखो बढ़िया एकदम दोस्तों, ये है अपनी नई सेल्फी स्टिक। इतनी बड़ी सेल्फी स्टिक आपने वैसे कहीं देखी नहीं होगी, बेहतरीन जुगाड़ है ये देसी। अब मैं इसको इतना काट दूंगा जिससे कि हमारी सेल्फी स्टिक नॉर्मल हो जाए, और इतना इसको फेंक देंगे, इतना हमारे काम का है अपर एंड, और उससे फिर वीडियो बनाएंगे, ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आज 3-4 ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। बने रहो वीडियो में, लेट्स गो। फ्रेंड्स, ये अपना सेल्फी स्टिक है, ये हमारी सेल्फी स्टिक है, और अब हम इससे वीडियो बनाने जा रहे हैं। बने रहो हमारी वीडियो में और वीडियो देखो, मजे करो। लाओ कांटा तो छाड़ दिया ना मैंने, तो ये हमारी सेल्फी स्टिक है दोस्तों, और भागो। तो ये थी यार हमारी सेल्फी स्टिक की कहानी, कैसे हमने सेल्फी स्टिक बनाई और कैसे उस दिन यूज़ करी, और ये है अपनी लोकेशन जहाँ पे हम स्केटिंग करते हैं। तो मज़े करो, ऐश करो, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और राम राम।